हेलो छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक। और जैसा कि मैं आपको हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिया था अभी कि वैद्युत ध्रुव क्या है, तो उसको अभी पिछले वीडियो में हमने दिया आपको। तो वैद्युत ध्रुव एक आपने समझी लिया। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक कुछ दो क्वेश्चन बड़े आते हैं अक्सर कि निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत ध्रुव पर सिद्ध करने के लिए कि इसका वोल्टेज जीरो होता है। तो देखिए, वैद्युत विभव जो है आपका विद्युत विभव है, और निरक्षीय स्थिति मतलब ऊपर से, और अक्षीय ऐसे होती है, निरक्षीय ऐसे है। तो ये आपका द्विध्रुवी 2L हमने लिया, एक चित्र छोटा सा आप बनाए देखिए नज़दीक जाके। 2L हमने इनके बीच की दूरी ली है, आधी आधी L हो गई, और यहाँ एक बिंदु ले लिया, तो वहाँ से एक निरक्षीय स्थिति बनाया और बीच में। तो अब देखा तो वोल्टेज इस बिंदु के कारण, ये चूंकि सॉरी माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण, तो वोल्टेज आपका माइनस क्यू के कारण, तो V2 आपका देखिए यहाँ पर 1/10, वही 9×10^9 लिखें या ये लिखें, Q/R होता है, तो Q/ ये दूरी हो गई, और V1 बराबर वही ये दूरी हो गई। तो ये यहाँ पर आप दोनों सूत्र हैं, और परिणामित जब विभव लिखेंगे V बराबर V1+V2, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। तो ये सिद्ध हो जाता है कि विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये कभी कभी 4 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, और बहुत आसान भी है भी ये। तो इनके आपसी इनमें आपसी जो है द्विध्रुव, अगर दो द्विध्रुव आपस में पास पास रख दिए जाएँ, तो उनमें आपसी बल क्या लगेगा? जैसे दो ध्रुव आपस में पास पास रहें, अगर दो ध्रुव, तो उनमें जो है पारस्परिक बल का सूत्र पूछता है आपका। तो ये देख लीजिए, एफ इक्वल टू 1/4 πε₀ 6P₁P₂। ये वैद्युत ध्रुव का P₂π₂QL आपने पढ़ाई अभी पिछले चैप्टर में, 2QL, और R⁴ है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट सूत्र है आपका। और इसी तरह से इसकी स्थिति ऊर्जा पूछ देता है, वैद्युत ध्रुव के जो है अगर रखे हुए हैं तो पास पास, तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसका सूत्र आप बताएं। तो ये माइनस में होती है, और ये इसको 2P₁P₂, और अगर ये इस तरह से रखे हुए हैं, अगर इनके बीच की दूरी आर है, दो ध्रुव यहाँ यहाँ, तो उनके बीच की दूरी आर ले गई, तो ये इस तरह से आपका यू, इनका सूत्र वही 9×10^9 लिखें या इसको लिखें, 2P₁P₂/R³, R³। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये सूत्र पूछता है आपसे। आंकिक प्रश्न में मैंने कहा था कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करिए, इनके बीच दूरी इतनी इतनी है। इसको देख के आप भड़के ना, क्योंकि एफ बराबर 1/4 πε₀ Q₁Q₂R² ये तो कूलाम का नियम है। तो दो प्रोटॉन अगर हैं प्लस प्लस, तो उनकी प्रकृति भी बताइए, तो प्रतिकर्षण होगा, सही बात है, दोनों प्लस हैं। और Q₁Q₂ का आप मान रख दीजिए, Q₁ का मान 1.6×10⁻¹⁹ होता ही है, Q₂ का भी वही होगा। तो अगर इतना भी रखते हैं तो बस मल्टीप्लाई करने में अगर नहीं भी कर पाए, तो ये लास्ट ही लाइन न छूटेगा आपका। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो हो जाएगा, और अगर नहीं भी किए तो आपको लगभग पूरा नंबर मिलेगा। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके ऐसे भी जो कि आप मतलब डायरेक्ट फार्मूले पर आपको रखना है Q₁Q₂ करके। तो हम इम्पोर्टेंट पर ही जा रहे हैं कि सेल क्या है और सेल से हम क्या समझते हैं। तो सरल परिपथ में सेल हमारा क्वेश्चन है, सेल से आप क्या समझते हैं, आंतरिक प्रतिरोध पर प्रकाश डालिए। तो सेल वह एक व्यक्ति है कि जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में धारा को या विभवांतर को स्थिर बनाए रखने में, परिपथ में आवेश के प्रवाह, आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह बात बराबर है, बनाए रखती है। सेल एक ऐसा एक युक्ति है, जुगाड़ है आप जिसे कह लीजिए, कि जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में, धारा को। इसमें दो छड़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड कहलाती हैं, और इनके अंदर द्रव्य होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विद्युत अपघट उसे कहते हैं, और जो धन आवेशित होती है उसे एनोड कहते हैं, धनाग्र, और जो ऋण आवेशित रहती है उसे कैथोड कहते हैं, आपने पढ़ा होगा।
किस प्रकार से वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसमें दो प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, और द्वितीयक जो है जो पहले उसको संचित करती है रासायनिक ऊर्जा को, फिर उसको आवश्यकता पड़ने पर वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे सीचा संचायक सेल। और प्राथमिक सेल में तो आप खैर यूज करते ही हैं टार्च में। तो आंतरिक प्रतिरोध ये है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या किसे कहते हैं कि जैसे कि धारा बह रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है हमारे धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार सेल के घोल में भी एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और यह सेल के इलेक्ट्रोड, जो आप इलेक्ट्रोड सेल लगाएं बैटरी के अंदर, उसके दूरी के अनुपातिक होता है, और उसके डूबे हुए क्षेत्रफल जो आपका इलेक्ट्रोड में क्षेत्रफल पानी है उसके अनुपातिक होता है, और उसकी प्रकृति और सांद्रता, नहीं लोग कहते हैं कि बैटरी में पानी कम हो गया तो उसके पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यही है, इसे स्मॉल आर से आप दिखाते भी हैं। और अगर आप छोटा सा एक सर्किट भी बना दें, एक बैटरी लगा दें, तो इसके साथ एक छोटा सा आर और ये आर दिखा के आई अगर एक परिपथ भी बना दें तो ये आंतरिक प्रतिरोध का। तो एकांक आवेश को सेल द्वारा परपथ में, इसी परपथ में एकांक आवेश मतलब एक क्यू ए वन को ले जाने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ये बहुत छोटा सा आपसे पूछ देता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो शुष्क सेल का जो आपका 1.5 वोल्ट का होता है, आप जानते ही हैं विद्युत वाहक बल 1.46 1.5 वोल्ट लिखा रहता है उसके ऊपर। तो उसी तरह से सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपसे पूछ दे तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो है आपका, वही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। परिपथ आपका छोटा सा है, आर ये आंतरिक प्रतिरोध है, यह आर है और यह उसका विद्युत वाहक बल है, दिशा है उसकी। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आगे क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ तक लगभग कवर ही कर लिया है सेल का ईएमएफ। आगे हम किरचाप के नियम को समझेंगे कि किरचाप का नियम क्या है, किरचाप साहब ने क्या नियम दिया था। बहुत आसान नियम है इनके दोठों, और इसको समझ के फिर प्रतिरोधों का संयोजन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लेंगे। मेनी मेनी थैंक्स। दीपक सिंह, आरएचए।